हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 20 जून से लेकर 26 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से एक सजेशन मांगा था कि हमें एक ही चैनल रखना चाहिए या फिर डिफरेंट टॉपिक्स के लिए डिफरेंट चैनल्स होने चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने अपने वैल्यूएबल सजेशंस मुझे दिए एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। कुछ लोगों ने कहा कि मैम एक ही चैनल रखें और कुछ लोगों ने कहा कि मैम सेपरेट टॉपिक्स के लिए सेपरेट चैनल होना चाहिए। तो मैं सोच रही थी कि हम टैरो से रिलेटेड सभी टॉपिक्स के लिए एक ही चैनल रखते हैं और आगे जाके जब हम जनरल स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएंगे तो फिर उसके लिए सेपरेट चैनल रख लेंगे। आई होप कि आप लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे और अगर कोई भी इससे रिलेटेड सजेशन आपके माइंड में आए तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, डेली अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को भी देखें। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 of Inspiration एंड Deception NNV। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक कहीं आपको ऐसे लग सकता है कि स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है और जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स बहुत बढ़िया नहीं हैं या फिर देखिए उनकी कहीं एनर्जीज आपके लिए इतनी सपोर्टिव, इतनी कोऑपरेटिव नहीं है और इसी वजह से अदरवाइज भी 9 of Inspiration का कार्ड कहता है कि एक थकावट आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, जहां पे आपको ऐसे लग सकता है कि भाई और हिम्मत नहीं है और स्टैमिना नहीं है आगे बढ़ने का। और देखिए इसके लिए ये भी एक रीजन हो सकता है कि पीछे आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, जो भी आपका गोल था जिसको आप अचीव करना चाहते थे, जो भी आपका मकसद था जिसको आप पाना चाहते थे और उस तरीके के रिजल्ट, उस तरीके का आउटकम आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन देखिए जो भी सिनेरियो रहे, कहीं आप गिव अप करते हुए नहीं दिख रहे हैं, कहीं आप यू नो हिम्मत हारते हुए नहीं दिख रहे हैं। जो भी अगेन मैं कहूँगी सिचुएशन रहे, आप कंटिन्यू कर रहे हैं, आप विल पावर डिटर्मिनेशन रख के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि एक फियर, एक इनसिक्योरिटी रह सकता है और देखिए कुछ लियोस के लिए ये भी रह सकता है कि एक जेलसी वाली एनर्जी भी हैं। और देखिए जेलेसी लियोज नॉर्मल होती है, हम सब लोग ही कभी कभी किसी सिचुएशन में थोड़े से जेलेस हो जाते हैं, लेकिन अगर हम अवेयर होते हैं और जब ऐसी एनर्जीज़ में हम अपने आप को पाते हैं, हम इनसे निकलने की कोशिश करते हैं, इसको हम डील करते हैं पॉजिटिवली, तो देखिए हम अपनी ज़िंदगी को आसान करते हैं, अपनी चीज़ों को आसान करते हैं। लेकिन जब इस जेलेस वाली एनर्जी में हम बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही ये एनर्जीज हमें ओवर पावर कर लेती हैं, तब कहीं हम बहुत परेशान होते हैं। तो इस वीक थोड़ी सी आपने अपनी चेकिंग करनी है कि कहीं यही एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा ओवर पावर तो नहीं कर रही हैं। और अगर ऐसा आप पाएँ तो देखिए फिर से मैं कहूँगी इस सिचुएशन में से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, इन एनर्जीज में से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, उस पर फोकस करें, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की कोशिश करें, एक पॉजिटिव थिंकिंग रखने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए कोशिशें हमेशा कामयाब हो जाती हैं। और देखिए फिर से अगर आप ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज को भी बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं जस्टिस एंड ट्रायम्फ।
और देखिए ट्रायम्फ का कार्ड बहुत ही क्लियरली विक्ट्री की बात करता है, सक्सेस की बात करता है। तो जहाँ देखिए प्रोफेशनल फ्रंट में एक जेलस वाली एनर्जीज है, आपको ऐसे लग रहा है कि भाई चीज़ें आपके साथ फेयर नहीं हो रही हैं, वही पर्सनल फ्रंट में जस्टिस का कार्ड एक फेयर एनर्जीज की बात करता है, यानी कि आपको ऐसे लग सकता है कि भाई जो आप फाइनली डिजर्व करते हैं वो आपको मिल रहा है, और चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को समझते हुए, हर चीज के लिए राइट एंड रॉन्ग को समझते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। पीछे पर्सनल फ्रंट में अगर चीजें अटकी हुई थी तो मूव करती हुई दिख रही हैं। और देखिए कुछ लियोज या फिर काफी सारे लियोज के लिए इस वीक ट्रैवल रह रही है या फिर ट्रैवल से रिलेटेड प्लानिंग आप कर रहे हैं। और देखिए क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है तो लीगल इश्यू से रिलेटेड कोई चीज़ रह सकती है, या मैं कह सकती हूँ कोर्ट कचहरी जस्टिस लॉ से रिलेटेड कोई एक्टिविटी रह सकती है। और ये भी सब के लिए डिफर करेगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप लाइसेंस या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट किसी पेपर वर्क से रिलेटेड किसी जज वकील से मिल रहे हैं, कोर्ट विजिट कर रहे हैं। और कुछ के लिए देखिए रियल में कोई लीगल मैटर भी हो सकता है, और ये चीज़ बहुत ही कम लोगों के लिए रहती हुई दिख रही है। ओवरऑल के लिए देखिए अगर हम इस वीक को देखें तो पर्सनल फ्रंट ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है, प्रोफेशनल फ्रंट में छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या है आपके लिए। तो गाइडेंस से आप लोगों के लिए चूज योर बैटल्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि जितना आप विल पावर डिटर्मिनेशन रख के चीज़ों को डील करेंगे, आप गिव अप नहीं करेंगे, बहुत करेजसली बहुत बोल्डली हर चीज़ को अपफ्रंट होके डील करेंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ को उतना ही आप इस वीक की एनर्जीज को आसान करेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉन साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए वर्गोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ मटेरियल्स रिवर्स एंड डिसकंटेंट एंड बोर्डम, और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक कहीं प्रोग्रेस ग्रोथ मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड मनी पैसा फाइनेंसेस से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। और देखिए ये सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि जिस तरीके की ग्रोथ जिस तरीके की प्रोग्रेस आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट के लिए चाह रहे हैं इस वीक आपको ऐसा लग रहा है कि भाई उस तरीके की ग्रोथ प्रोग्रेस नहीं हो रही है। और कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन मनी पैसे से रिलेटेड मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज हैं। जितना गेन जितना प्रॉफिट आपने एक्सपेक्ट किया था उतना प्रॉफिट आपको नहीं हो रहा है, या फिर आपने जितनी इन्वेस्टमेंट करी उस हिसाब से आपको रिटर्न नहीं मिल रही है, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी पेमेंट डिले हो रही है। तो देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, सबके लिए यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। ब्रॉडर लेवल पर ये कार्ड्स कहते हैं कि अगेन मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड मनी पैसा ग्रोथ प्रोग्रेस रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज छोटे मोटे मसले रह रहे हैं, और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी एक मोनोटनस सी एनर्जीज हैं जहां पे देखिए एक्साइटमेंट एंथुजियाज्म मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। आप अपने गोल अपने मकसद के लिए इतने मोटिवेटेड नहीं रहते हुए दिख रहे हैं, उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। तो यहां पे मैं आपको यही कहूंगी वर्गोस कि जब तक आप इन मोनोटनस एनर्जीज में रहेंगे तब तक आप अपने गोल अपने मकसद को भी नहीं पा पाएंगे, और जब तक आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे जब तक एक मोटिवेशन आप नहीं लेकर आएंगे तब तक आप अपने मकसद को भी नहीं हासिल कर पाएंगे। तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ ऐसा करें इस वीक जिससे कि एक एंथुजियाज्म एक एक्साइटमेंट आपके अंदर आए अपने गोल अपने मकसद के लिए, जिससे कि आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के लिए मोटिवेटेड रहें।
एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ मटेरियल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। और देखिए कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड भी कहीं किसी लेवल पे एक हार होने की या फिर हार महसूस करने की बात करता है, और इसी वजह से अदरवाइज भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज रहने की बात करता है। जहाँ पे अगर हम ब्रॉडर लेवल के लिए देखें वो गोज, तो आपको ऐसे लग सकता है कि भाई चीज़ें आपके साथ फेयर नहीं हो रही हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है। कहीं लोग सिचुएशंस आपके साथ, अगेन मैं कहूँगी, फेयर नहीं हो रहे हैं, या फिर उनके मोटिव्स उनके इंटेंशंस इतने ठीक नहीं हैं, या फिर वो आपको वैसे नहीं ट्रीट कर रहे हैं जैसे आपको उनको ट्रीट करना चाहिए या फिर जो आप डिज़र्व करते हैं। और देखिए कुछ लोगों के लिए सिचुएशन सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं जिनकी वजह से एक अनफेयर एनर्जीज वर्गोज इस वीक स्पेसिफिकली अपने पर्सनल फ्रंट में आप महसूस कर रहे हैं, और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी आप कहीं एक पॉज लेते हुए दिख रहे हैं। आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं या फिर नहीं बढ़ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा सेफ सिक्योर होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा श्योर होना चाहते हैं चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने से पहले। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको यही कहूँगी वर्गोस की सेफ सिक्योर होके आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं चीज़ों को समझने में या फिर बहुत टाइम तक किसी चीज़ में रुक जाते हैं, तब कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को हम मिस करते हैं जिनको उस टाइम हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन आगे जाके जब हमें रियलाइज होता है तो हम बहुत परेशान होते हैं। तो इस चीज का भी ख्याल इस वीक आप जरूर रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है फाइन बैलेंस। तो देखिए बहुत ही क्लियरली ये कार्ड एक बैलेंस लाइफ में लाने की बात करता है, यानी कि जो भी चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं या ज़रूरत से कम कर रहे हैं उसी में ही अगेन एक बैलेंस इस वीक लाना बहुत ज़रूरी है। और देखिए अगर आपके कार्ड्स देखें तो हो सकता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा ही अपने पर्सनल फ्रंट में पॉज ले रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही एक अनफेयर एनर्जीज में रह रहे हैं। तो देखिए इनमें एक बैलेंस लेकर आए और प्रोफेशनल फ्रंट में देखें तो बहुत एक डिससेटिस्फेक्शन आप चीज़ों को लेकर महसूस कर रहे हैं। तो देखिए जो भी चीज़ें मुझे कार्ड्स के थ्रू दिख रही हैं मैं आपको कह रही हूँ वर्गोस, ओवरऑल के लिए देखिए मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि जितनी जल्दी एक बैलेंस आप अपनी एनर्जीज में लेकर आएंगे उतनी ही जल्दी आप अपने लिए चीज़ों को आसान करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स प्लैनेट का कार्ड है और इसके हिसाब से रेड कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं थ्री ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स एंड ट्रूथ, और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में अपने करियर से रिलेटेड आप फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म गोल्स आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं बना पा रहे हैं। करंट सिचुएशन करंट चीज़ों में आप इतने उलझे हुए हैं कि आप चाह के भी अगेन मैं कहूँगी लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग आप नहीं कर पा रहे हैं। एंड इन द प्रोसेस या फिर अदरवाइज भी हो सकता है कि किसी चीज़ का इंतज़ार किसी चीज़ की वेट भी आप कर रहे हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये इंतज़ार ये वेट सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ लिब्राज के लिए हो सकता है कि जो भी आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में अचीव करना चाह रहे हैं उसी से ही रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के लिए आप राइट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आपने बहुत एफर्ट किया बहुत मेहनत करी और इस वीक कहीं उसी के ही आउटकम उसी के ही रिजल्ट का आप इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये इंतज़ार इतना आसान आपके लिए नहीं रह रहा है। किसी लेवल पे किसी तरीके के इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि थोड़ा सा ये इंतज़ार वाला पीरियड आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। नीचे ट्रुथ का कार्ड कहता है कि कुछ सच से या तो आप वाकिफ हो रहे हैं या फिर वाकिफ होना चाह रहे हैं। कितनी बारी होता है कि हम रियालिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करते
हैं, हम देख के अनदेखा करते हैं, चीज़ों को सुन के अनसुना करते हैं। और देखिए, जब भी हम ऐसी एनर्जीज में होते हैं, हम खुद का ही नुकसान करते हैं। क्योंकि देखिए, जब तक हम पूरी तरीके से रियलिटी से वाकिफ नहीं होते हैं, तब तक कोई भी चीज़ हम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। हमारे डिसीजंस, हमारे चॉइसेस भी गलत हो जाते हैं। और देखिए, इस वीक फिर से लिब्राज आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं, या फिर रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, सच से पूरी तरीके से वाकिफ होते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द हेरोफेंट एंड रेस्ट एंड रिजुविनेट। और ये कार्ड्स कहते हैं स्पेसिफिकली अपने पर्सनल फ्रंट में, या तो आप स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, या फिर आप कर रहे हैं। और देखिए, जो भी बड़े लोग हैं, जो भी एल्डरली लोग हैं आपके घर में, उनके साथ भी आप ज़्यादा कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा आपकी इंटरेक्शंस होती हुई दिख रही हैं। और देखिए, ये रिलीजियस एक्टिविटीज सबके लिए डिफर कर सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप कोई रिलीजियस सेरेमनी अटेंड कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने घर में ही कोई रिलीजियस एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि किसी रिलीजियस प्लेस को या तो आप विजिट करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और देखिए, मैरिज, बच्चे का नामकरण, ये भी रिलीजियस जगहों पर ही होते हैं। तो देखिए, इस तरीके की भी एक्टिविटीज रह सकती हैं जहाँ पे अगेन कोई ट्रेडिशनल मैरिज या तो आप अटेंड करना चाह रहे हैं, या फिर उसी से ही रिलेटेड किसी लेवल पे एक प्लानिंग रहती हुई दिख रही है। और ओवरऑल के लिए देखिए, कहीं चीज़ों को लेकर थोड़े से रिजिड, थोड़े से फिक्सेटेड आप होते हुए दिख रहे हैं, पुरानी चीज़ों पे ज़्यादा फेथ करते हुए दिख रहे हैं, या फिर पुरानी चीज़ों के हिसाब से ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हैं। और ऐसा करके देखिए, डीपर लेवल के लिए एक आराम, एक सुकून आप महसूस कर रहे हैं। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए कार्ड है बैलेंस। और ये कार्ड कहता है कि जितना ज़्यादा इस वीक आप एक बैलेंस तरीके से चीज़ों को डील करेंगे, उतना ही इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर करेंगे। यानी कि अगर आपको लगे कि कोई भी चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा या फिर ज़रूरत से कम कर रहे हैं, तो उसको ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए, मैंने हमेशा आपको कहा है, लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। कोई चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो हमें परेशान करती है। और देखिए, आप लोगों के कार्ड्स अगर देखें, तो इस वीक हो सकता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को लेकर रिजिड हो रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को लेकर फिक्सेटेड हो रहे हैं। अगेन देखिए, अगर ऐसा आप पाएँ तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट में देखें तो यहाँ पर ट्रुथ का कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा ही सच्चाई से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, जो कि अगेन बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इन द प्रोसेस अगर कोई परेशान हो रहा है, फिर आपका ही नुकसान हो रहा है, तो इस चीज को भी जरूर आप चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए, सच बोलना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन सिचुएशन, कंटेक्स्ट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे कि आपने भी कहानी सुनी होगी कि एक कसाई गाय के पीछे भाग रहा होता है, और गाय राइट की तरफ मुड़ती है, कसाई नहीं देख पाता है, सामने खड़े हुए इंसान को पूछता है कि गाय किधर गई, और उस इंसान को पता होता है ये कसाई है, इसकी इंटेंशन गाय को मारने की है, और वो कसाई को झूठ बोलता है, वो बोलता है गाय लेफ्ट की तरफ मुड़ी है। तो देखिए, टेक्निकली उस इंसान ने झूठ बोला, लेकिन यहाँ पे झूठ बोलने के पीछे उसकी इंटेंशन अच्छी थी, उसकी इंटेंशन गाय की जान बचाने की थी। तो यहाँ पे झूठ को भी हम सही नजरिए से देखेंगे। और यहाँ पे देखिए, अगेन वो अगर सच बोलता तो शायद वो गलत करता। तो इसी तरीके से आपने भी सच बोलना है, सच्चाई को सपोर्ट करना है, लेकिन साथ ही साथ सिचुएशन, कंटेक्स्ट को नज़रअंदाज नहीं करना है। इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द सन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए, स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं।
तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 of Emotions, रिवर्स एंड मेमोरीज ऑफ लव। तो देखिए, सबसे पहली बात, दोनों ही कप्स के कार्ड्स हैं, दोनों ही कार्ड्स इमोशंस की बात करते हैं, फीलिंग्स की बात करते हैं, चीज़ों को लेकर सेंटिमेंटल होने की बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। देखिए, मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड बहुत ही क्लियरली पुरानी किसी चीज़, पुरानी किसी बात को याद करने की बात करता है। क्योंकि ये कार्ड प्रोफेशनल फ्रंट के लिए है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पुरानी किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप इस वीक याद कर रहे हैं, पुराने किसी कुलीग को, पुराने काम करने के तरीके को, अगेन किसी भी पुरानी चीज के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं या फिर याद कर रहे हैं। और देखिए, इसीलिए हो सकता है कि सरफेस लेवल पे आप थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर रहे हैं। और देखिए, कुछ स्कॉर्पियोज के लिए भी हो सकता है कि जिस तरीके से आप चाह रहे हैं चीजें उस हिसाब से नहीं हो रही हैं, या फिर देखिए कोई नुकसान, कोई लॉस भी इस वीक या फिर पीछे आपको हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है स्कॉर्पियोज कि आप उन चीजों पे इतना फोकस नहीं करना चाह रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। जो भी चीजें ठीक हैं आप उन पे अटेंशन देके चीजों को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। कहीं देखिए अपनी एनर्जीज में एक शिफ्ट लाना चाह रहे हैं, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना चाह रहे हैं। और देखिए स्कॉर्पियोज, यही सिचुएशन आइडियल भी होती है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि हम सब लोग एनर्जी बीइंग्स हैं, जिस चीज पे फोकस करते हैं वही चीज बढ़ती भी है। और देखिए, कुछ स्कॉर्पियोज के लिए ये भी हो सकता है कि पीछे अगर किसी चीज को लेकर आप रिग्रेट कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में थे, तो इस वीक अगेन आप उन्हीं एनर्जी से बाहर निकलना चाह रहे हैं या फिर निकल रहे हैं, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आप रखते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द हाई प्रीस्टेस, रिवर्स एंड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। और देखिए, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स के कार्ड को जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, एक रेनबो बना हुआ है, घर है, और देखिए तीन लोग बहुत ही क्लोजली एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, जैसे कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, ब्रॉडली स्पीकिंग इस कार्ड को अगर हम समझें तो ये कार्ड हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, टुगेदरनेस की बात करता है, लव्ड वंस, क्लोज वंस की तरफ से एक सपोर्टिव, एक कोऑपरेटिव एनर्जीज की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक आप लोगों के लिए भी स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं आप बहुत सैटिस्फाइड, आप बहुत कंटेंटेड नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत एक्टिवली चीज़ों में इन्वॉल्व करते हुए या फिर पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप एक बैक सीट ले रहे हैं, आप चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं। और देखिए, कहीं कोई चीज़ या तो आप अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस से छुपा रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग सकता है कि आपके लव्ड वंस, आपके क्लोज वंस आपसे कोई चीज़ हाइड कर रहे हैं। यानी कि ओवरऑल एक सीक्रेटिव सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, इमोशनली कहीं एक उथल पुथल रह सकती है, या फिर से मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा एक एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म पर्सनल फ्रंट में नहीं रहता हुआ दिख रहा है। इसके बावजूद कि आपके आसपास का माहौल, आपके घर का माहौल काफ़ी अच्छा रह रहा है, इसके बावजूद कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हों। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी स्कॉर्पियोज कि थोड़ा सा आप इन एनर्जीज में से अपने आप को बाहर निकालें, अपने लव्ड वंस के साथ कनेक्ट करें। कैसे एक एंथुजियाज्म, कैसे एक एक्साइटमेंट आप लेकर आ सकते हैं, उस पे आप ज़रूर फोकस करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है जॉय एंड स्टेबिलिटी। और देखिए, ये कार्ड भी आपको वही मैसेज दे रहा है जो मैं आपको अभी कह रही थी। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हैं, जो भी चीज़ें कहीं एक हैप्पीनेस आपके लिए ला सकती हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। और कैसे एक स्टेबिलिटी आप अपनी एनर्जीज में ला सकते हैं, उसके ऊपर भी अगेन मैं कहूँगी आप ज़रूर फोकस करें। नटशेल में ऐसी कोई एक्टिविटी
एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें, ऐसी कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें जो एक फन, मज़ा, मस्ती, एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में लेकर आए। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मर्कुरी प्लैनेट का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।